हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त प्रणव। तो भाई लोग सब कैसे हो? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत सही हूँ। और आज इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो स्मार्टफोन गेमिंग के इंडस्ट्री में रिवोल्यूशनरी ला सकता है। एक अपकमिंग स्मार्टफोन जो लिटरली मतलब आईफोन यूजर कह लो या फिर एंड्रॉयड यूजर कह लो, इन सारे मतलब जितने भी स्मार्टफोन जो लोग यूज करते हैं टॉप ऑफ द लाइन, उन सारे स्मार्टफोन यूजर्स के गेमिंग है स्मार्टफोन यूजर्स के जो क्लॉक स्पीड है सारे स्मार्टफोन के उन लोगों के सभी को बीट करने वाला है ये वाला स्मार्टफोन। और ये रियलमी का वन ऑफ दी बेस्ट स्मार्टफोन बन सकता है। तो इसके लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे, ये कहाँ पे स्पॉट किया गया है उसके बारे में बात करेंगे, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, और ये स्मार्टफोन जो है आने वाला है क्या इसके लिए आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको अभी कोई सा भी एंड्रॉयड का फ्लैगशिप उठा लेना चाहिए, उस बारे में भी सजेशन देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका लॉन्च डेट के बारे में। ये अप्रोक्स ऐसा अनाउंस हो सकता है नवंबर दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। और ये वाला स्मार्टफोन कौन सा है? ये है Realme GT 7 Pro। ये नवंबर दिसंबर तक ऐसा अनाउंस होगा और 2025 के पहले पहले तक मतलब दिसंबर के लास्ट तक मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये स्मार्टफोन इंडिया में भी शायद आ जाए। ये स्पॉट क्या है? चाइना का जो 3C सर्टिफिकेशन है वो एक सर्टिफिकेशन होता है 3C नाम करके, वहां पे RMX5010 नाम करके कुछ मॉडल नंबर देखा गया है उसका, उस हिसाब से ये मतलब स्पॉट किया गया है। एंड इसका जो स्पेसिफिकेशन है ना वो अप्रोक्स कंफर्म है। तो उस स्पेसिफिकेशन के बारे में चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसका डिस्प्ले का बात करते हैं। तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको 6.78 इंच का X2 LTPO OLED डिस्प्ले माइक्रो क्वाड कर्व वाला डिजाइन देखने को मिल जाएगा। 1.5K का रेजोल्यूशन विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस देखो, डिस्प्ले का बात अगर करें तो यहाँ पे जो 120 हर्ट्ज है मेरे हिसाब से मतलब प्रॉपर उस हिसाब का गेमिंग फोन है ना, 144 हर्ट्ज होता, पर ऐसा है ना कि 120 हर्ट्ज हर एक गेम के हिसाब से हर एक ऐप के हिसाब से ऑप्टिमाइज होता है। 144 हर्ट्ज मतलब अभी तक एक नंबर गेम के हिसाब से रह गया है, वैसे कुछ मतलब नहीं कह सकते। तो 120 हर्ट्ज इज गुड एनफ। एंड बाकी यहाँ पे मतलब माइक्रो क्वाड कर्व डिजाइन जो है मतलब थोड़ा थोड़ा करके कर्व चारों तरफ देखने को मिल जाएगा। इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है बहुत ज्यादा सही देखने को मिलेगा। और ये डिस्प्ले BOE के तरफ से आने वाला है, कोई सैमसंग का मतलब ई सीरीज का एमोलेड नहीं रहने वाला है क्योंकि उसमें ग्रीन लाइन आ रहा है, इसीलिए BOE एक चाइनीज कंपनी है जो डिस्प्ले बनाता है, टीवी स्मार्टफोन बड़ा बड़ा डिस्प्ले बनाता है, वही कंपनी का जो है डिस्प्ले यूज किया जाएगा। बात करते हैं इसके SoC के बारे में। SoC के बारे में गाइस देखो, अब आप चाहे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 कह लो या फिर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन मतलब एलीट कह लो, यहाँ पे इसका नाम को लेके थोड़ा सा ऐसा मतलब है अभी भी, इसे एलीट कहा जा सकता है या फिर 8 Gen 4 कहा जा सकता है। ये 3 नैनोमीटर का प्रोसेसर होने वाला है, 4 GHz का मतलब बैरियर ये तोड़ता है। तो उस हिसाब से देखते क्या से क्या रहेगा, पर इतना कन्फर्म जरूर है कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर रहेगा। इनफैक्ट एप्पल के A18 बायोनिक से भी ज्यादा पावरफुल क्लॉक स्पीड वाइज ये रहेगा। इसका अगर स्टोरेज टाइप का बात करते हैं तो यहाँ पे आपको UFS 4.0 का 1 TB वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा, LPDDR5X 16 GB वाला भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी यहाँ पे आपको 6000 mAh का देखने को मिल जाएगा विथ 120W का जो है सुपर फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं ये वाला जो फोन है ना एक पावर पैक स्मार्टफोन बन सकता है। और अगर मार्केट में आता है तो रियलमी का फोन है उस हिसाब से ये 1.5 लाख का नहीं जाएगा, ये थोड़ा ठीक ठाक बजट में ही रहेगा, फ्लैगशिप किलर वाला बजट में रहेगा। तो देखते हैं किस तरह से क्या होता है परफॉर्मेंस वाइज। अभी अगर इसका कैमरा का बात करें तो सोनी लिटिया का सेंसर 50 MP के साथ OIS वाला सेंसर देखने को मिल जाएगा प्राइमरी सेंसर। ऊपर से सोनी लिटिया का ही एक और सेंसर देखने को मिलेगा यहाँ पे, एक पेरिस्कोप टेलीफोटो जहाँ पे 3x ऑप्टिकल जूम और बाकी सब हाइब्रिड जूम रहेगा। 50 MP का अल्ट्रा वाइड रहेगा। फ्रंट में 32 MP का जो है सेल्फी कैमरा रहेगा। अब इसका वीडियोग्राफी के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि भाई ये जो है प्रोसेसर नया है, तो उस हिसाब से देखते डिवाइस में क्या आएगा, किस तरह से आएगा। और बाकी अदर्स चीजों का अगर डिजाइन का बात करें तो देखो यहाँ पे क्वाड कैमरा डिजाइन बैक में देखने को मिलेगा, IP69 का प्रोटेक्शन, IP69 अभी रेगुलर हो रहा है उस हिसाब से IP69 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहेगा जो होने वाला है अल्ट्रासोनिक लाइक सैमसंग वाला। तो खैर जो भी हो, मेरे हिसाब से ये वाला जो स्मार्टफोन है, अगर पूछे उस वाले सवाल के बारे में कि क्या इस स्मार्टफोन के लिए इंतजार करना चाहिए नवंबर दिसंबर तक, तो डेफिनेटली करना चाहिए। आप अगर एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है भाई, थोड़ा वेट कर लो। और इसका अगर प्राइस का बात करें तो मेरे हिसाब से ये मतलब मीडियोकर प्राइस में आएगा, मतलब एकदम कम में नहीं, एकदम प्रॉपर बहुत ज्यादा नहीं, मीडियम टाइप के प्राइस में आएगा। अभी कंफर्म कुछ नहीं बोल सकते, जब आता है तो उस हिसाब से बोलेंगे।
भाई जब आता है सबसे पहले वीडियो बनाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दो, और आपको अगर कुछ कहना है ना तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है भाई, और इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो अपने गेमिंग स्मार्टफोन लवर्स लोगों को, टेकी बंदों को। तो खैर आज की वीडियो यही तक।